वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बंदी सिंघां दी रिहाई लई पंथ दे वख वख धड़े वख वख ढंग नाल कोशिशां कर रहे हन। चंडीगढ़ दीआं बरूहां ते कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या होया है, श्रोमणी कमेटी हस्ताक्षर मुहिम चला रही है, पर किस गल दी रुकावट है, क्यों नहीं हो रही रिहाइयां? इसे दे नाल ही जिक्र करांगे कौन हन इह बंदी सिंह, की वाकई भारतीय संविधान विपकरे करदा है। जे वहशी अते बलात्कारी रिहा हो रहे हन तां सियासी कैदी क्यों नहीं? इसे नाल पंथक सफ़ियां विच सवाल कि की मोर्चियां तो कुछ सवरिया भी है सिख कौम दा? खुद बंदी सिंघां दा अपनी रिहाई बाबत की स्टैंड है? इन्हां ही सारे सवालों का जवाब लैके हाजिर हाँ मैं, तुहाडा अपना भुपिंदर सिंह भाई खेल। आप सब दी चढ़दी कला दी आस अते अरदास नाल पेश है विचार चर्चा, बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके सरकार अते सिख पंथ। बंदी सिंघां दी रिहाई दे मसले नूं लैके पंजाब विच दो मोर्चे चल रहे हन। एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों दस्तखतां दी मुहिम दे तौर ते, जिस विच लोकां दे हस्ताक्षर करवा के पंथक कैदियां दी रिहाई लई हिमायत मंगी जा रही है। निशाना 30 लाख दस्तखतां दा है, जिस नूं SGPC अगे सरकार नूं मेमोरेंडम दे रूप विच दे के लोकतंत्री ढंग नाल दबाव बनाएगी। दूजा मोर्चा है चंडीगढ़ दी बरूहां ते मोहाली दे YPS चौक विच कौमी इंसाफ मोर्चा। यह बीती 7 जनवरी तो चल रहा है, वख वख जथेबंदियां दे आगू इस विच हिस्सा लै रहे हन। बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग पंथ दे हितां लई जूझण वाले उन्हां कैदियां दा मसला है जो अपनी सज़ा भुगत चुके हन पर इन्हां दी रिहाई नहीं हुई। यह उह जांबाज हन जिन्हां पंथक जज्बे करके अपनियां जवानियां पंथ दे लेखे ला दित्तियां। सिखां खिलाफ सरकारी दहशतगर्दी मूहरे यह मरजीवड़े बन के जूझे। यह मर भी सकते सी पर खुशकिस्मती नाल यह जेलों विच हन अते जिंदा हन। यह सही सन जां गलत यह वखरा विशा है, पर यह सारे ही आम घरां दे नौजवान सन। इन्हां दा किसे तरह का कोई अपराधक पिछोकड़ नहीं है, ना ही कोई दुश्मनी। यह खास हालातों विच अते खास दबाव विच सिख संघर्ष का हिस्सा बने। जिस कानून दीयां नज़रां विच इह कातल जां अपराधी कहलाए, अज उसे कानून दे तहत इह अपनी सज़ा भुगत चुके हन। हुण इह निर्दोष हन, इन्हां नूं आज़ादी नाल जीवण दा पूरा हक है, पर भारत सरकार इस विच टिल मठ टाल मटोल कर रही। इन्हां दी ही रिहाई नूं लै के पंथ संघर्ष कर रहा है अते हर आज़ादी पसंद इस दा समर्थन। इन्हां दी रिहाई क्यों नहीं हो रही, की कहिंदा है भारतीय कानून? बंदी सिंघां दी रिहाई लई आवाज़ काफ़ी अरसे तो उठदी आई है। बापू सूरत सिंह खालसा बीते 8 सालों तो भुख हड़ताल कर रहे सन। आप लिक्विड ते सन। कौमी इंसाफ मोर्चा लगन दे बाद जथेदार भाई जगतार सिंह हवाला दी बेनती ते 14 जनवरी नूं खालसा जी ने अपनी हड़ताल खत्म की। इसे तरह बाबा गुरबख्श सिंह खालसा भी 2 बार भुख हड़ताल कर चुके हैं, पर साल 2018 कथित तौर पर उन्हें खुदकशी कर ली सी। श्रोमणी अकाली दल बादल ने भी इस मुद्दे का इस्तेमाल अपनी गुआची हुई साख नूं मुड़ बहाल करन दीयां कोशिशां लई कीता। जून 2022 दीयां संगरूर जिमनी चोणां के दौरान बादल दल ने बलवंत सिंह राजोवाणा की भैण बीबी कमलदीप कौर नूं टिकट दित्ती सी। संसद के मानसून सैशन विच बीबी हरसिमरन कौर बादल वल्लों यह मुद्दा चुकया गया। बादल दल वल्लों रोस प्रदर्शन भी किया गया, जंतर मंत्र ते भी धरना दिता गया। बादल दल की काबज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी कोशिशां कीतियां। पहला 11 मैंबरी कमेटी वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह अते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं भी इस बारे चिट्ठी लिखी सी। हुण दस्तखत मुहिम चलाई जा रही है, पर इत्थे सब तो वड्डा सवाल यह है कि इन्नियां कोशिशां दे बावजूद कोई ठोस नतीजे क्यों नहीं निकल रहे? क्यों भुख हड़तालां रखनियां पै रही हैं? क्यों मोर्चे लाउणे पै रहे हैं? कारण की है कि जे सज़ा पूरी हो चुकी है फिर भी रिहाई नहीं की जा रही? इसके 2 कारण हैं। एक तो कानूनी पक्ष,
कानूनी पक्षों भारतीय संविधान का पक्षपाती स्वरूप, दूजा है सिख संघर्ष को लैके सिखां दी ही वक्री वक्री राय का होना, मौजूदा हालात और भविख प्रति भी वखरेवे करके खिंडी हुई सिख शक्ति। पहला गल करते हाँ कानूनी पक्षों भारतीय संविधान के पक्षपाती स्वरूप बारे। इस बारे संघर्षमई सिखां दे केस लड़न वाले उगे वकील सरदार जसपाल सिंह मंझपुर ने BBC नाल गलबात करदिआं दस्सिआ, भारतीय कानून विच उम्र कैद की सज़ा माफ़ करना एक सियासी फैसला हुंदा है, क्योंकि इस बारे फैसला सूबा सरकार ने लेना हुंदा है। कानून मुताबक 3 तरीके नाल किसी की सज़ा माफ़ की जा सकती है। पहला तरीका है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आर्टिकल 72 तहत भारत के राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह नाल किसी व्यक्ति की उम्र कैद माफ़ कर सकते हैं। दूजा है आर्टिकल 161 के तहत जे केस किसी सूबे में चलिया है तो सूबे का राज्यपाल सूबा सरकार की सलाह नाल सज़ा नूं माफ़ कर सकता है। अते तीसरा तरीका है CRPC के सैक्शन 432 तहत सूबा सरकार कैबिनेट विच मता पास करके सज़ा नूं घट कर सकती है जां माफ़ कर सकती है। इस तरह उम्र कैद वाला कोई भी व्यक्ति उदों तक जेल तो रिहा नहीं हो सकता जदों तक इन्हां तिन्हां तजवीज़ां विच्चों किसी एक के तहत फैसला ना ले लिया जाए। सरकारां इसे आधार पर उम्र कैदियों नूं रिहा कर दियां हन, नाल ही अपने सियासी हितां मुताबक इस कानून का इस्तेमाल भी कर दियां हन। बिना शक सिखां ते भी ये एहसान किए गए हैं। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बीती 11 अक्टूबर 2019 नूं 8 सिख कैदियों नूं रिहा करन अते एक दी मौत दी सज़ा नूं उम्र कैद में तब्दील करन दे हुकम जारी कीते सन। यह तोहफा दे के श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश पुरब मौके बहुत वाहवाही खट्टी गई सी, जिस मुताबक लाल सिंह, नंद सिंह, सुबेक सिंह, बलबीर सिंह, वरियाम सिंह, हरजिंदर सिंह, प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर अते गुरदीप सिंह खैरा नूं छड़ना सी। बलवंत सिंह राजोवाणा की मौत की सज़ा नूं उम्र कैद में तब्दील किया जाना सी, पर तहकीकात करन ते पता लग्या कि होर वादियां दे वांगू ही मोदी जी दे इन्हां वादियां विच भी झोल सी। ऐलान कीते 8 नामां विच्चों बलबीर सिंह, वरियाम सिंह अते हरजिंदर सिंह तां पहलां ही रिहा हो चुके सन। सिर्फ 3 बंदियां लाल सिंह, नंद सिंह ते सुबेक सिंह नूं रिहा कीता गया। बलवंत सिंह राजोवाणा की मौत की सज़ा भी उम्र कैद में तब्दील कर दी गई, पर प्रोफेसर दलविंदर पाल सिंह भुल्लर अते गुरदीप सिंह अज भी जेल विच हन। सवाल ही यही है कि क्यों सारे रिहा नहीं किए जा रहे, ये पिक एंड चूज क्यों? एहसान भी किया जाता है, मेंगणा भी पाइया जांदियां हन। कारण ही यही है कि जिस तरह पहला दस्या है कि यह सरकार की मर्जी ते मुनस्सर करता है कि जिसनों मर्जी रिहा करे, जिसनों मर्जी ना करे। अर्थात कानून नहीं बल्कि काबस सियासी धिर की मर्जी का संविधानक प्रावधान है। इस तरह क्यों है, यह संविधानक बहस का विषय है, पर सच ये है कि इस प्रावधान के चलते सरकारां लोक हित विच घट ज़्यादातर पक्षपाती फैसले लैंदियां हन। सत्ता ते काबज पार्टियां अपने हितां अते अपनी सौख के मुताबक इसनूं इस्तेमाल करदियां हन। इस तहत आस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स अते उसके मासूम बच्चियां दे कातल बजरंग दल दे दारा सिंह नूं सरकार रिहा कर दिंदी है। 2002 गुजरात कांड दौरान बिल्किस बानो गैंग रेप अते उसकी 3 साल बच्ची के बेरहम कतल के 11 बलात्कारी दोषियों को रिहा कर दिता जाता है। 1984 के सिख कतलेआम के दोषी किशोरी लाल, जिसनों 8 फांसी दियां सजावां मिलियां सन, उसकी भी सज़ा घटा दी जाती है। इसे कानून के तहत बलात्कारी अते कातल राम रहीम नित पेरोल ते बाहर आ जाता है। राजीव गांधी के कतल के 7 दोषियों नूं तमिलनाडु की सूबा सरकार ने भी 2018 विच इसे कानून तहत रिहा करन दा फैसला लिया सी। हालांकि उस वक्त राज्यपाल ने मंजूरी नहीं सी दित्ती, पर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 विच फैसला सुनाया कि राज्यपाल सूबा सरकार के कैबिनेट वल्लों सज़ा माफ़ी के फैसले उत्ते मोहर लगाउण तो इनकार नहीं कर सकता, उसनों कैबिनेट की सलाह मननी पवेगी। अज इसे आधार से मरहूम दीप सिद्धू
संदीप सिंह सिद्धू दे भ्राता ने मीडिया नूं मुखातब होंदिया सलाह दित्ती है कि केंद्र नूं कहण दी बजाए सूबा सरकार ते दबाव बनाया जावे। ये बहुत वड्डा मसला नहीं है, अपने हलकियां दे MLA ते जोर पा के कैबिनेट दे विच ही मता पास करा लो, जिन्हां नूं वोटां पाईयां हन उन्हां तों ही हुण कम भी लो। ते जिन्ना चिर ये हाउस चो पास हो के सेंटर नू नहीं कर देगी विधानसभा चो उन्ना चिर अपने बंदी सिंह नहीं रहा होने, अपन अपने एरिए दे हलका इंचार्ज MLA उन्हां ते दबाव बनाउणा पऊगा भी ये विधानसभा चो बिल पास करो। जिवें कि तमिलनाडु चो उन्होंने राजीव गांधी असैसीनेशन वालों की भी रिहाई उन्हां दी स्टेट गवर्नमेंट ने कराई आ, उही चीज़ अपन इत्थे पंजाब च दोहरानी पैनी आ। बिल्कुल, अपन सारी आवाम नू यही अपील आ भी अपने अपने MLA नू अपने अपने हलका इंचार्ज नू ये दबाव बनाओ भी इहदा विधानसभा चो इहदा बिल पास करके बंदी सिंघां दी साडे प्रिजनर्स रिहा किए जाण, तां इह पास करके सेंटर नूं फॉरवर्ड किया जाए ते उधरों पैरलल जुडिशरी वाली लड़ाई आपां नूं बराबर लड़नी पऊगी, तां ही अपने बंदी सिंघ रिहा होणगे। धन्यवाद। इस तरह असीं देखिया कि भारतीय कानून काबज सियासतदान नूं खुल दिंदा है कि वह अपनी मनमर्जी करे, सही गलत अते नैतिकता देखे जां ना देखे उसकी मर्जी। इस करके भारतीय कानून ते पक्षपाती होण दे दोष लगदे आए हन। सिख कहिंदे हन भारतीय कानून बहुगिणती लई होर हन, घट गिणतियां लई होर, तां इस विच कोई अतकथनी नहीं। असी तथ देख ही लए हन, जिस कानून दे आसरे दंगाई कातल बलात्कारी रिहा होंदे हन, पेरोल ते मौजा मारदे हन, उत्थे सियासी कैदियां लई भेदभाव दुखदाई तां लगेगा ही। हुण दूजा पहलू, सिखां दे सियासी मसले होण जां समाजक अते धार्मिक, सिखां नूं गल गल ते मोर्चे लाउणे पैंदे हन। अपने मसलियां दे हल लई सिखां विच वक्री वक्री राय है, एक सरकार नाल मिल के उन्हां दे हल दी वकालत करदा है, दूजा मोर्चे ला के, तीजा उन्हां मोर्चियां नूं फेल करके, चौथा सरकार अते मोर्चा दोहां दियां झोले विच बैठा दोहां नूं बेवकूफ बना रहा है। कुल मिला के नतीजा की निकलदा, खिंडी होई सिख शक्ति अते कदे भी ना खत्म होण वाला चक्कर। सिक्स themselves got entrapped into a vicious circle। इसनों सौखे लफ्जा में भाई अमृतपाल सिंह ने इस तरह बयान किया है, वह भी इसे कौमी इंसाफ मोर्चे विच। सानू एक गल सोचण लई खालसा जी मजबूर होना पैना, ओए गल है भी ये चक्कर किन्ना क चिर घूमू, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਊ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਊ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਿੱਖ ਛੜਕ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ UNO ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ,
इंडियन स्टेट नागियां ना टेबल ते बैठी है, असम वालियां ना बैठी है, त्रिपुरे वालियां ना बैठी है, साडे ना नहीं बैठी हैगी। और असी महसूस करते हैं जदों तक पंजाब दे विच साडी ये मूवमेंट जिहड़ी आज़ादी का संघर्ष है तगड़ा नहीं हुंदा, जदों तक असी नागियां वर्गी पोजिशन से नहीं जाते उदों तक दिल्ली ने साडे ना बैठना नहीं हैगा। क्योंकि जे साडा प्रैशर हुंदा है, साडी मूवमेंट का प्रैशर हुंदा है, अजे तक साढ़े हज़ारा सिख जिहड़े इनोसेंट किलिंग्स हुई ने, ना तो यूएन ने यूक्रेन की तरह इंटरवीन किया साढ़े मसलों, ना कश्मीर की तरह इंटरवीन कर रही है। और जेडे इस जेल च बंद भाई तारा भाई प्योरे उन्हों का स्टैंड हैगा कि सानू जिहड़ा इस संघर्ष पंजाब के पिंड पिंड तगड़ा करना पवेगा, फिर ये गल चलूगी। जथेदार जगतार सिंह हवारा की तिहाड़ जेल तो आई चिट्ठी भी इसे भावना उजागर करते हुए मोर्चे को समुची कौम का सांझा बनाए रखने की सलाह देती है। इत्थे यह जानना भी जरूरी है कि बंदी सिंघां की रिहाई नूं लै के खुद बंदी सिंघां का की स्टैंड है। इस बाबत बड़ैल जेल में बंद भाई तारा भाई प्योरा का संदेश जो उन्होंने वकील ने स्पष्ट किया, जिहड़ी इंसाफ की आस आप दिल्ली तो रख रहे हैं, उहदे विच मैं स्पष्ट करना चाहुंदा है कि सिंस 1947 इंडियन स्टेट ने सिखां नूं किसे मसले च भी इंसाफ नहीं कीता। गल साडी बंदियां दी रिहाइयां तो शुरू नहीं हुंदी, गल पिछों शुरू हुंदी है। 1978 दे विच जिहड़े निरंकारी कांड दे विच सिख शहीद होए ने, किसे भी स्टेट ने अजे तक इंसाफ नहीं दिता है। 1984 दे विच मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि 5000 सिख दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट, दिल्ली की पार्लियामेंट के सामने मारिया गया, जिमें नाजीज़ की लाइव वर्निंग हुई है साड़ी उमें लाइव वर्निंग हुई है दिल्ली के। अजे तक हिंदुस्तान के सवाए मद्रास हाई कोर्ट किसी भी जिहड़ियां 13 स्टेटां दे विच दंगे हुए ने किसी ने स्यो मोटो नहीं लिया हैगा। और जिन्हों ये कहते हैं कि अतवाद का पीरियड से जिहड़ा इनसरजेंसी पीरियड कहते हैं, साढ़े हज़ारा मुंडे जिहड़े झूठे पुलिस मुकाबलों च मारे गए ने, कोई इंसाफ नहीं हैगा। और मैं मीडिया नूं दसना चाहुंदा है कि इंडियन स्टेट ने साडा अकाल तख्त साहब का जथेदार भाई गुरदीप सिंह कौंके उन्हू पुलिस कस्टडी दे विच शहीद किया है। साढ़े दो मैंबर पार्लियामेंट भाई गुरमीत सिंह खुड़िया, बीबी बिमल कौर खालसा, तीसरा जिहड़ी बीबी बुलारा मैंबर पार्लियामेंट सी उहदा घरवाला प्रोफेसर बुलारा फेक इनकाउंटर्स दे विच मारिया, अजे तक कोई इंसाफ नहीं हैगा। फिर जिहड़ा नकोदर कांड होया जिहदे विच नजायज़ इजहार आलम ने जिहड़ा सिखां नूं मारिया सी उहदा भी कोई इंसाफ नहीं हैगा। हुण तुसीं देखो कि 2012 दे विच कई सिख शहीद होए ने, भाई जसपाल सिंह चौर सिद्धमा नूं शहीद किया गया, एमए बरगाड़ी दे विच बहबल कलां दे विच सिख शहीद होए ने। सो ये नंबर ऑफ इशूज़ ने जिन्हां नूं लैके सिख कौम संघर्ष कर रही है। हुण रीसेंटली भाई दीप सिद्धू नूं इंडियन स्टेट ने टारगेट किलिंग राही मारिया है। और जिहड़ी इंसाफ की आस है, सानू इंडियन स्टेट ते कोई भी इंसाफ की आस नहीं है। जदों इंसाफ होया सिखां ने आप लिया है, चाहे वह इंदिरा गांधी सी, चाहे वह जनरल वैद्य है, चाहे वह बेंत सिंह हैगा, तो चाहे वह बरगाड़ी दे विच बेदबी दे दोषी ने, सिखां ने आप इंसाफ किया। इंडियन स्टेट को असी इंसाफ की आस नहीं रखते है। उन्होंने सलाह दी कि जे मोर्चा लाना ही है तो मोर्चे की अगवाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगवाई विच खालसा पंथ करे, मोर्चे की कमांड संसार भर के सिखा की कमेटी बना के चलाई जाए जिस विच सिख बुद्धिजीवी, डिप्लोमैट, पत्रकार, सियासी लीडर, पंथक आगू आदि शामिल किए जाण, सारे फैसले खालसाई रवायतों अनुसार किए जाण। उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि सिखा की सारी दुर्दशा लई जिम्मेवार 9 मार्च 1846 की लाहौर संधि है, जिस राही बरतानवी सरकार ने नाबालग महाराजा दलीप सिंह नाल विश्वासघात करके सिख कौम नूं गुलामी दीयां जंजीरां विच जकड़ के रख लिया। इसलिए उन्होंने मंग की कि आने वाले 9 मार्च नूं बरतानवी सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस के तौर पर मनाया जाए। इसे कौमी इंसाफ मोर्चे विच चंडीगढ़ विखे वड्डी गिणती दे विच इकट्ठ करके अंतरराष्ट्रीय भाईचारे का ध्यान बरतानवी विसाहकात अते भारतीय जुल्मां वल खिंचिया जावे। तुहाडी की राय है?
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹੁਣ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ।